वर्ल्ड स्पैरो डे ते नेन ग्लोबल फाउंडेशन वालों किया गया एक वड्डा उपराला। अमृतसर के हर चौराहे से चिड़िया लिए रखा गया पीन का पानी और लोगों भी की गई अपील कि अपनी समर्था के मुताबिक घट्टो घट अपनी छत से एक पानी का कुजा जरूर रखो ताकि साड़ी इस दुनिया के कोई भी चिड़ी प्यासी ना मरे। उन्होंने कहा कि चिड़िया इस संसार का भिन्न अंग हैं तो साडे पर्यावरण बचाने के लिए बहुत ही सादा साथ देंदी हैं तो मनुखी जीवन का बहुत साथ देंदी हैं। चिड़िया करके ही बरसात के थाई थाई पौधे उगते हैं, इस करके चिड़िया बचाना बहुत जरूरी है। लाइव भारत देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह की आज वर्ल्ड स्पैरो डे है, अज चिड़िया के दिन है तो चिड़िया साढ़े जीवन के बहुत ज़्यादा महत्व रखदियां हैं। जिस तरह बरसातों में जगह जगह फुल पौधे उगते हैं उसके चिड़िया कवा तो पंछियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। साडे पर्यावरण बचाने भी चिड़िया का बहुत बड़ा हाथ है, पंछियों का बहुत बड़ा हाथ है। जो इंसान इस धरती के रह रहे हैं उत्थे जे साइंटिफिकली देखा जाए तो पंछी जो दुनिया चो खत्म हो जाएंगे तो इंसान की भी बारी उदो आ जाएगी। तो पंछियों को बचाना बहुत जरूरी है। उस कड़ी के जिस तरह की वर्ल्ड स्पैरो डे है तो अज दे एक मुहिम लैके चले आ नैन फाउंडेशन। पहला भी इस तरह की मुहिम चलाते हैं तो हर गर्मिया दे विच कटोरे रखते हैं मिट्टी के जिते कि पानी भर के रखा जाता है चिड़िया के लिए। खास तौर पर अक्सर इंसान तो अपने घर के पानी मिल जाता है पर बाहर घूम रहे जानवर को पानी नहीं मिलता। ये धरती सारे जीव जंतुओं की है, सारे का बराबर हिस्सा है देते ते आज इन्होंने एक मुहिम फिर शुरू की है कि ये कटोरे पानी भर भर के चिड़िया के लिए रख रहे हैं ते इन्हों तो जानेंगे लोगों की संदेश तो हर साल ये काम करते हो चिड़िया लिए कटोरे रखते हो पानी रखते ये वाले लोगों को की संदेश देना चाहोगे? जी मैं लोगों को यह लाइव भारत के थ्रू यह संदेश देना चाहना वा कि देखो जोड़े इंसान आ बच्चे आनू दस सकते कि सूँ प्यास लगी भुख लगी आ पर बेजवान तू नहीं दस सकते। तुसी देखो पानी तो बिना कोई नहीं जी सकता, इस करके अं मुहिम शुरू अही मार्च तो शुरू कर दिया। अब वर्ल्ड स्पैरो डे आ इस करके अज तो शुरू कर लगे कि समर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होनी है तो बच्चे पानी तो बिना तुम्हें भी पता वा कि तड़प तड़प के रह जाता बंदा पानी ना मिले। तो मैं वो संदेश देना चाहता शहर वासियों को कि सारे शहर वासी की करन कुछ ना करन सिर्फ एक कटोरा अपनी छत पर रख दें तो पानी पा दिया करन डेली तो बड़ा भला हो जाएगा। तुहानू पता वा कि जे जिन्ने पेड़ पौधे आ कुदरत ने दिते सानू यह चिड़िया कावां दी देना इहो ही जाके करदे आ तो इन्हां करके पेड़ उगे आ। दूसरे नंबर एक होर मैं संदेश देना चाहना कि लोग पीजन ना मक्की बहुत पाते वो नहीं पानी चाहिए, मक्की बहुत ज़्यादा हार्ड होंगी इन्हों नुकसानदायक तुम करन भला जाते हो पर हो इन्हों बुरा जाता वा। इस करके जो भी कहें कि सतनाजा पाओ सतनाजे में मक्की बाहर कढ़ दो ते सिर्फ होर अनाज पा दो बड़ा कुछ है पाने वास्ते। होर मैं संदेश देना चाहता कि जब चौंक आ छत आ जे कोई समर्थ है जां किसी को टाइम है चौंका च जां जिथे जिथे भी बैठते आ उत्थे जाके पानी के कटोरे रखो इन्हां खाण पीण दा दो। समर आ रहा कि जो जो गर्मी वधी जानी आ बुरा हाल हो जाना वा, मेरा इहो संदेश है। तो इन्हों का संदेश बहुत बड़ा संदेश है, समझने की जरूरत है। पिछले नासा से भी एक खोज आई है, खोज के मुताबिक उन्होंने दसिया कि दुनिया के जिस दिन पक्षी खत्म हो जाएंगे उस दिन इंसान भी खत्म हो जाएगा। तो इंसान जे रहना चाहता धरती के तो उन्होंने ये धरती के रह रहे जीव जंतुओं की जरूर देखभाल करनी चाहिए। तो अपनी समर्था के अनुसार बहुत वड्डी गल की है, अपनी समर्था के अनुसार एक कटोरा रखना हर किसी के बस की गल है। अपनी छत पर एक कटोरा रखो ताकि गर्मी के उड़ता पंछी जिहड़ा वो प्यासा ना मरे, उदली पानी की कटोरी ताडे छत पर जरूर होनी चाहिए है। तो बहुत वाला संदेश। दूसरा इन्होंने मक्की लैके कहा मक्की अक्सर ही पंछियों के गले च फस जाती है जिस करके मक्की करके कई पंछी मर भी जाते हैं। तो मक्की का पंछियों को फीड ना दो, पंछियों को छोटा दाना दो, बाजरा दो, चावल दो, मूंगी की दाल दो, होर छोटा दाना जरूर दो पर मक्की ना दो। तो इस तरह अपने पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हो तो दुनिया के जीव जंतु की। एक कहानी होंदी सी पहला बुलबुल की, बुलबुल अक्सर हर घर के किसी टाइम पर गूंजते सी बोलते सी पर अज बुलबुल दिखती नहीं, बुलबुल की कहानी सिर्फ किताबा च रह गई। सर आ जिहड़ियां स्पैरो भी तुसीं देख रहे हो जिहड़ी घर च अपने छतां हुंदे सवेरे सवेरे कूंकू करदे सी लोकी उड़ जांदे सी कि दिन चढ़ गया वा, तुसीं देखो लुप्त हो जा रहियां इह कहानियां च रह जाणियां। कल नूं तुसीं अपने बच्चों को फोटोआं च गूगल से कढ कढ के दिखाओगे कि आ एक चिड़ी हुंदी सी स्पैरो हुंदी सी, हौली हौली सब कुछ खत्म हो जाए जी आप इन्हें रक्षा नहीं करा इंसान भी खत्म हो जाएगा। तो साढ़े ना इस वेले रवि सूद जी मौजूद हैं, वो भी सानू खास तौर पर दसनगे कि चिड़िया पंछी साढ़े जीवन के कितना के जरूरी होंदे हैं। देखो जी वाटर, देखो वाटर साढ़े सभी सारे वास्ते बहुत जरूरी है। इस तरह ही जेडे पंछी है इन्हां वास्ते भी वाटर बहुत जरूरी है। अगर जे आप देखो असी वाटर तो बगैर एक दिन नहीं कट सकते समर के, इस तरह ही पंछियों वास्ते इन्ना ही जरूरी है वाटर। तुसी उन्होंने कुछ ना करो सिर्फ अपने घर एक कटोरा लैके वाटर जरूर रखो अपनी छत के उत्ते जेडे कि समर के पंछी देखो जगह जगह से मरते वेखते हो, असी उन्होंने बचाने वास्ते इहो सब तो बेस्ट तरीका है। मैं अमृतसर वासियों को मैसेज इहो देवांगा कि अपनी छत पर वाटर जरूर रखन।
देखो जिहड़े जिहड़े जगह जगह पर पेड़ पौधे बरसातों के उग जाते हैं उस देखो कि वह कोई आप इंसान नहीं उगा रहे उसनू, यह सारा पंछी वगैरह ही उगा रहे उसनू। जो पंछी अपनी पॉटी करता है वो तो ही पेड़ पौधे बनते हैं। केरला दे विच एक सेंटर इस तरह बनया मेडिटेशन सेंटर है जिथे कि चिड़िया की चहक नाल लोकी डिप्रेशन के मरीज जाके उत्थे चिड़िया की आवाज़ सुन के अपना इलाज करवाते हैं ते कई मरीज ठीक हो के भी आए हैं। ये चिड़िया किन्निया के खूबसूरत आवाज़ करती हैं ये उन्होंने मरीज नू ही पता है जिहड़े कि डिप्रेशन के शिकार होंदे हैं, पर चिड़िया की आवाज़ा सुन के एक शांत माहौल दे विच जाके अपनी बीमारी तो कोसों दूर चले जाते हैं। तो पक्षी बहुत जरूरी है साडे जीवन के लिए भी, तो पक्षी बचाना एक सोशल मीडिया से पोस्ट पा देनी ही पक्षी नूं बचाउण दा नहीं एक उपराला तुहाडा, तुसीं एक कटोरा पानी का भर के अपनी छत ते रखो, इस तरह पक्षी नूं बचाओ अपने पर्यावरण नूं बचाओ। ये दुनिया सब की सांझी है ते इहनूं सांझे तरीके नाल जियो, आप भी जियो ते दुनिया विच आए हर जीव जंतु नूं जीन दिओ। लाइव भारत इस तरह की खबर के नाल दोबारा फिर रूबरू कराएगा, बने रहो लाइव भारत। कैमरामैन सुखविंदर कोहली दे नाल कलाश पाजा वधी रिपोर्ट।